I know.
यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सरदीह श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विज्ञाघिर्लोकोऽयं मन्यते नरं यमुना निकट तटस्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुमतलभूमौ चरणं चरणों परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बर परिधानं चंदन कर्पूरलिप्त सर्वांगं आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डित श्रवणं मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तु भोदार मणिहारं वलयांगुलीय काद्या नुज्वलयन्तं स्वलंकारान गलविलुलित वनमालं स्वतेजसा पास्त कलिकालं गुञ्जारवाली कलितं गुञ्जा पुञ्जान्विते शिरसि भुञ्जानं सह गोपैः कुञ्जान्
तल्वर्तिनं नमत मंदार पुष्पवासित मंदानील सेवित परानंदम मंदाकिनीयुत पदम नमत महानंददम महापुरुषम सुरभि कृत दिग्वलयम् सुरभि शतैरा वृतः परितः सुरभि तिक्ष्पण महा सुरभीमं यादवं नमत धनी गुरुवर धाम निवास सुनो मन पुन्यन पुंज सो पाइए जु बनी दीन प्रपन्न रहो गुरु के नित सेवा सो ताहिर जाइए मन से हरि को गुरु को सुमिरो रसना सो सदा गुण गाइए जु क्षण भंगुर जीवन जानी मना क्षण जनी व्यर्थ गवाइए सब धामन वारो वृंदावन पे और वृंदावन हूँ गुरु धाम पे वारो जो गुरु के पद प्रीत जुरी तो भजो चली आवे गो ब्रह्म विचारो हे हरि निर्मल भक्तन को गुरु है अधमों को उदाहरण हारो औरन को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग हमारो औरन को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग हमारो बोलिए श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय राधा गोविंद सरकार की जय प्यारी प्यारी अम्मा की जय श्री भक्ति धाम मनगढ़ की जय श्री राधा गोविंद धाम की जय राधा गोविंद धाम की महारानी माँ पद्मा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सद्गुरु सरकार की जय लाडली लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री गुरवे श्री गुरवे
श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः आचार्य मां विजानीयान् नामन्येत कर्हिचित् नामर्त्यबुद्ध्या सुयेत् सर्वदेव मयो गुरु हे परम प्रियतम हे परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुमसे विमुख होने के कारण तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं एवं पा रहे हैं पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता हे अशरण शरण तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो हे करुणा सागर हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है हे नाथ अपने विरद की ओर देख कर इस अधम को निराश न करो हे जीवन धन अब बहुत हो चुका अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है
अधिक भयानक है। अतेव प्रेत भिक्षाम देहि, प्रेम 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 भिक्षाम देहि। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमत सदगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। Ooh.
गौर सरकार। जय 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 सतगुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। हो नहीं चाहत पदारथ चार, हो नहीं चाहत पदारथ चार, हो नहीं चाहत पदार्थ पदारथ चार, हो नहीं चाहत पदारथ चार। बारिक अपनो मानी निहार, बारिक अपनो मानी निहार, बारिक अपनो सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। ओ जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सतगुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। हो तो हो पतितन सरदार, हो तो हो पतितन सरदार, हो तो हो पतितन सरदार, पतितन सरदार, हो तो हो पतितन सरदार। पतितन सरदार, हो तो हो पतितन सरदार, तुम कृपालु निज ओर निहार, तुम कृपालु निज ओर निहार, तुम कृपालु निज ओर निहार।
सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय जय सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय जय श्याम गौर सरकार, जय जय श्याम गौर सरकार। गौर सरकार, गौर सरकार, गौर सरकार, गौर सरकार। जय जय श्याम गौर सरकार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय जय सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। ओ जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। हो नहीं चाहत पदारथ चार, सद्गुरु सरकार। जय 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 सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। जय जय सद्गुरु बलिहार, जय जय श्याम गौर सरकार। हो तो हो पतितन सर, पति तन सरदार, पति तन सरदार,
सरकार। दीनानाथ मोहि काहे बिसारे। हे मेरे दीनों के नाथ, मेरे स्वामी दीनानाथ, तुमने मुझे क्यों भुला दिया, क्यों बिसार दिया? और जब मेरी बारी आई तो आपने मौन धारण कर लिया। तो हे नाथ, यदि आप मौन धारण कर लेंगे तो मुझ अनाथ का कौन नाथ बनेगा, और अगति की गति कौन बनेगा? तो हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, आप मेरी गति पर विचार कीजिए। और ये तो बताओ कि यदि मैं आपके द्वार पर आया हूँ तो मेरे लिए आपने क्या सोचा है? कहहु नाथ गति कौन विचारे, मेरे लिए आपने क्या विचार किया है प्रभु? गणिका गिद्ध अजामिल आदिक, गणिका गिद्ध अजामिल का नाम पापियों में गिना जाता है, लेकिन वो कोई पापी वापी नहीं है प्रभु, नहीं थे वो पापी वगैरह। मेरे एक एक रोम में सैकड़ों कोटि काल नेमी रूपी पाखंड भरा हुआ, करोड़ों रावण के समान अहंकार मेरे रोम रोम में भरा है। तो हे नाथ, हे दीनानाथ, मुझ जैसे पापात्माओं के सरदार का क्या होगा प्रभु? आप इस पर विचार कीजिए। और मैंने तो सुना है कि आप पतितों के विरध के रखवाले हैं, पतितों के रक्षा का भार आपने उठा रखा है, तो अपने विरध पर विचार कीजिए प्रभु, और मेरे उद्धार के लिए आप कुछ सोचिए। दंभ कोटि शत काल नेमिसम, दंभ पाखंड भरा हुआ है, सैकड़ों कोटि काल नेमी के समान मेरे अंदर पाखंड है, दंभ है, दिखावा है। और इतना ही नहीं, रावण के पास तो बहुत सारे गुण थे, समस्त देवताएं उसके यहाँ नौकर चाकर थे, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी करोड़ों रावण के समान प्रभु अहंकार भरा हुआ है। लाजहू जासू लजाती अधम अस, मैं इतना अधम हूँ, इतना पापात्मा हूँ, इतने पाप भरे पड़े हैं कि पाप भी लज्जित हो जाए मुझे देख करके, इतने अधिक पाप हैं प्रभु मेरे अंदर। मेरे जैसा ना तो कभी था कोई पापी, ना है ना आगे होगा। पतितों का सरदार हूँ, कौने मुख कृपालु प्रभु सन्मुख, मैं आपके चरणों में किस प्रकार से आऊं, कैसे मैं आपके सन्मुख हो सकता हूं?
मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ कि मुझे आपके समक्ष आने में लज्जा आती है और आपसे कुछ कहने का मुझे अधिकार भी नहीं है। लेकिन प्रभु, मुझे केवल इतना विश्वास है कि आप ही एकमात्र मुझ जैसे अधम पापी का उद्धार कर सकते हैं। कही है नाथ अब हाथ तिहारे, सब कुछ आपके हाथ है, अपना लीजिए चाहे ठुकरा दीजिए प्रभु, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया मैंने। आप चाहें तो हृदय से लगा लीजिए, आप चाहें तो ठुकरा दीजिए। ये इस पद का आशय है। दीनानाथ मोहि काहे बिसारे, अपने समक्ष सुंदर से सिंहासन पर अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को सिंहासन पर विराजित कर दीजिए, राधा कृष्ण को विराजित कर दीजिए और चूंकि हमें मांगना नहीं आता, भगवान से बात करना नहीं आता, क्या बोलें क्या कहें, श्री गुरुदेव ने बड़ी सुंदर पद बना दिए कि ये सुनाओ, कृपा मिलेगी सुनाओ उनको। तो हमें ये पद, ये कीर्तन, ये भजन अपने प्रभु को सुनाने हैं, ये मांगने की, क्योंकि अकल नहीं है हमें, हम क्या मांगे, हम क्या कहें उनसे। तो ये मांगने की एक निवेदन पदों के रूप में श्री गुरुदेव ने लिखकर दे दिया, यानी पूरा खाना तैयार है, बस हमको खाना है, यानी हमको केवल भगवान का स्मरण करते हुए उनकी गुरुदेव की बताए हुए पदों को गा करके सुनाना है खाली, क्योंकि हमें तो लिखना भी नहीं आता, क्या लिखें, भगवान से कैसे बात करें। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं आगे आऊँगा, मैं तुम्हें बताता हूँ किस प्रकार से निवेदन करो, किस प्रकार से याचना करो, किस प्रकार से भीख मांगो, किस प्रकार से प्रभु को रिझाओ। तो गुरुवर ने सब लिख के दे दिया। तो ये जो लिखा हुआ है उनके पद, ये हमें भगवान को सुनाना है, भीतर से जो लिखा है उसको महसूस करते हुए कि हाँ हम इस प्रकार से हैं, वास्तव में हैं। कोई महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं लेकिन करेंगे महसूस करना है, ना ना, हम ऐसे ही हैं, बल्कि ये तो बहुत कम लिख दिया महाराज जी ने, हम तो इससे भी ज़्यादा गए बीते। तो अपने ये पदों को अपनी भाषा में, अपने भावना से को लिपटा करके, इन पदों में अपनी भावनाओं को लिपटा दीजिए और फिर भगवान को सुनाइए। दीनानाथ मोहि काहे बिसारे, बार मौन
Thank you.
रखवारे
वारत पतित विराद रखवारे वारत पतित विराद रखवारे काहे विसारे मोही काहे विसारे काहे विसारे मोही काहे विसारे दीनानाथ मोही काहे विसारे दीनानाथ मोही काहे विसारे हम बार मन कस धारे हमारी बार मन कस धारे बार मन कस धारे हमारी बार मन कस दंभ कोटि शतकाल नेमी साम दंभ कोटि शतकाल दंभ कोटि शतकाल नेमी साम दंभ कोटि शतकाल कोटि न रावण सम मद धारे कोटि न रावण सम मद कोटि न रावण सम मद धारे कोटि न रावण
कृपालु प्रा
छू मोहिका है विस
सारे झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, झूले कुंज युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, झूले भानु दुलारी प्यारी, श्री वृष भानु दुलारी प्यारी, प्रियतम नंद कुमार युगलवर, प्रियतम नंद कुमार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार युगलवर, झूले कुंज मझार, पहियो जात रस सुधा माधुरी, पहियो जात रस सुधा माधुरी, छवि निधि सिंधु अपार युगलवर, छवि निधि
झूले कुंज मझार युगल वर झूले कुंज मझार युगल वर छवि निधि सिंधु अपार युगल वर झूले कुंज मझार 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 मृदु मुस्कात झूमी झुकी झूलत 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 जनु दो रूप सिंगार युगल वर जनु दो रूप सिंगार युगल वर झूलत कुंज मझार युगल वर झूलत कुंज मझार जनु दो रूप सिंगार युगल वर जनु रूप सिंगार युगल वर झूलत कुंज झूलत कुंज मझार युगल वर झूलत कुंज मझार युगल वर झूलत कुंज मझार युगल वर झूलत कुंज मझार बिनु बानी बत रात परस पर बिनु बानी बत रात परस पर अब देखिए बिना वाणी के आपस में बात कर रहे हैं श्यामा श्याम बिना बोले कोई बात कैसे कर सकता है श्यामा श्याम झूल रहे हैं कुंज मझार में सखियों ने देखा सावन मास आ गया है तो प्रिया प्रियतम से वृषभानु नंदिनी राधा रानी से और नंद कुमार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु हे हमारी युगल सरकार चलिए निकुंजों में आपके लिए झूला तैयार है चारों तरफ हरियाली है यमुना नदी की लहरों की तरंगे झूम रही हैं आपके दर्शनों की प्यासी हैं तो प्रभु हे युगल सरकार हम सभी सखियां निवेदन करती हैं कि आप झूलन के लिए पधारिए तो श्यामा श्याम झूलने के लिए पधारे सखियों के निवेदन से और सखियों के निवेदन से जब वे गए तो रूप सुधा माधुरी बरस रही है आनंद बरस रहा है अपार मात्रा का ऐसा प्रतीत होता है जैसे रूप और श्रृंगार के साक्षात मूर्तिमान दो सरकार युगल सरकार बैठी हुई और परस्पर मुस्कुरा रहे हैं दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके
और झुक झुक करके झोंके ले रहे हैं, झूल रहे और परस्पर बतरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कैसे? संकेत में, आंखों के संकेत से परस्पर बातें भी कर रहे हैं और वो डार बड़ी भाग्यशालिनी है, बड़ भागिनी है वो डार जिस पर झूला पड़ा हुआ है। वो डार भी अपने आप को सौभाग्यशालिनी मान करके और झूम रही है, अपने गले में फांसी बांध करके श्यामा श्याम को झुला रही है। उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए। नवल युगल सरकार को झुला रही है डार। होत मगन दो यमुना जल बिच, और यमुना जी की लहरों में, यमुना जी में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके दोनों विभोर हो रहे हैं युगल सरकार। लली लाल के या झूलन पर, हमारे युगल सरकार के इस झूला लीला पर बलिहार जा रहे हैं कृपालु जी महाराज, और हम समस्त साधक गण भी बलिहार जा रहे हैं। बलिहार 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 की ध्वनि हम कर रहे हैं। बिनु बानी बतरात परस पर, और बिनु बानी बतरात परस पर, झूलत कुंज मझार युगल वर, झूलत कुंज मझार मजार।
युगल वरे झूले कुंज मझार यमुना जल
जल बीच निज प्रतिबिंब निहार युगल वर निज प्रतिबिंब निहार युगल वर झूले कुंज मझार युगल वर झूले कुंज मझार लली लाल के या झूलन पर लली लाल के या झूलन पर हम कृपालु बलिहार युगल वर हम कृपालु बलिहार युगल वर झूले कुंज मझार युगल वर झूले कुंज मझार ओ हम कृपालु बलिहार युगल वर हम कृपालु बलिहार युगल वर झूले कुंज मझार युगल वर झूले कुंज मझार झूले कुंज मझार युगल वर झूले
झूले कुंज मझार युगल वर, झूले कुंज मझार झूलन की बलिहार। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको राधे राधे। किसी का प्रश्न था कि हम साधना करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम ये कैसे जाने कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, या जहाँ थे वहीं थे या और पीछे चले गए? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महापुरुष ही दे सकता है, क्योंकि वही जानता है कि कौन कितना आगे बढ़ा, कौन पीछे गया, किसका पतन हो रहा है, किसका उत्थान हो रहा है और कितना हो रहा है, यह केवल महापुरुष ही जान सकता है। किंतु फिलॉसफी के अनुसार कुछ आइडिया तो हमें भी लग सकता है। कैसे? वो इस प्रकार से कि हमारा मन जिस चीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, मन बड़ा हर्षित हो रहा है, संसार की बातें सुनने में, करने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, यदि किसी की बुराई करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, करने में, सुनने में, बोलने में, तो इसका मतलब साफ है कि हमारा अंतःकरण बहुत ही ज़्यादा पाप युक्त है। ये पहचान है। अगर संसार वालों की बुराई करने में, निंदा करने में, दूसरों की कमी देखने में, दोष देखने में यदि हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा मन को भाता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमें दूसरों के दोषों को देखने में जो मज़ा आ रहा है, इसका मतलब है हमारा मन बहुत गंदा है, हमारा बर्तन बहुत गंदा है, अंतःकरण बहुत गंदा है, उसको गंदगी भा रही है। और यदि हमारा मन हरि गुरु में, उनका नाम सुनने में, बोलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखने में, पढ़ने में भगवान की पुस्तकें, गुरु की पुस्तकें, यदि उसमें हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मन
लग रहा है, मन को भा रहा है, कंपेयर करके देख लीजिएगा। मान लीजिए आप भगवान की पुस्तक पढ़ रहे हैं और अचानक किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे अमुक पड़ोसी या दोस्त ने ऐसा किया, और आपका मन उस पुस्तक को छोड़ के उसकी बातों को सुनने में लग गया, इसका मतलब कि आपको उसके दोषों को देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ना कि भगवान की पुस्तक को पढ़ने में। तो हरि गुरु से यदि प्यार होगा तो हमारा मन भगवत चिंतन ही करेगा, भगवान की लीलाओं को ही सोचेगा, भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करेगा, मुख से दिन रात उन्हीं का स्मरण करेगा, उन्हीं का ध्यान करेगा और उन्हीं के गुणगान करेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, हमको संसार की बातों में ज़्यादा मज़ा आता है या ज़्यादा हमारा मन लगता है, तो हमारा मन दोष युक्त है, पाप युक्त है, गंदा है, मलिन है। अब ये गंदा है, मलिन है, ये साफ कैसे होगा? जितना अधिक हरि गुरु का स्मरण करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसके विषय में ही चिंतन करेंगे, तो यह गंदा बर्तन, यह गंदा कपड़ा, मन रूपी अंतःकरण साफ शुद्ध पवित्र जल से ही तो साफ होगा। और पवित्र कौन है? हरि गुरु। तो इस अंतःकरण को पवित्र शुद्ध करने के लिए हरि गुरु का ही स्मरण करना होगा। जितना अधिक हम हरि गुरु का स्मरण करेंगे, उतने हमारे पाप धुलेंगे, साफ होंगे। लेकिन हम थोड़ी बहुत साधना करने पर ही सोच लेते हैं कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, इतने महीने से कर रहे हैं, इतने घंटे रोज कर रहे हैं। अरे 24 घंटे में यदि 2 घंटे भी हमने ध्यान कर लिया तो 22 घंटे तो हमारी साधना को चौपट किए जा रहे हैं, जबकि हमें नित्य निरंतर ध्यान करना होगा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, क्षण क्षण में याद करो, पल पल में याद करो, उसका नाम ही तो भक्ति है। ये 2 घंटा तो मन को जमाने का अभ्यास कर रहे हैं, हम जमा नहीं है, जमाने का अभ्यास कर रहे हैं। जब जम जाएगा हमारा मन, तब फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन को विष युक्त नहीं करते। ऐसे ही अभी हम माया के अंडर में हैं, अभी तो हमें संसार की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए अभी हम चंदन के वृक्ष नहीं बने। अभी तो ये संसार रूपी विष हमें तुरंत हमारे पर हावी हो जाएगा। तो इस मन को पहले चंदन बना लो, इस मन को पहले जमा लो भगवान में, उसके बाद ही हम संसार में निर्भीकता से रह सकते हैं। अभी जमा नहीं है, इसलिए सावधान होकर के रहना होगा और एकांत में बैठ के साधना करनी होगी मन को जमाने के लिए। मन को जमाना होगा, जैसे यूँ समझिए, जैसे एक छोटा पौधा होता है, आपने कोई पौधा लगाया तो आप उसकी बड़ी देखभाल करते हैं, इसको ज़्यादा धूप ना लग जाए, छाया कर देते, अरे पाला ना पड़ जाए, अरे कोई बकरी ना खा जाए, बाड़ा लगा देते हैं चारों तरफ, उसकी देखभाल करनी होती है, ठीक ठीक पानी देना होता है, ठीक ठीक धूप दिखानी होती है, जानवरों से बचाना होता है, तब वो पेड़ बनता है, वो छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता है। अब जब पेड़ बन गया, फिर कोई चिंता नहीं है बारिश और ये पाला की, पाला पड़े चाहे बारिश हो, चाहे धूप लगे, चाहे बकरी खाए, अरे बकरी खा ही नहीं सकती, फिर तो उसके ऊपर आप उसकी टहनी पे या उसकी तने पर आप बांध दीजिए, हाथी को बांध दीजिए, घोड़े को बांध दीजिए। लेकिन जब छोटा था तब कितनी केयर करनी पड़ी इस पौधे की,
तो अभी हमारा मन उस पौधे के समान है, उसकी बड़ी केयर करनी होगी, सावधान रहना होगा ये संसार से, तब ये मन भगवान में लगेगा। शुरुआत में एकांत की साधना करके मन को जमाना होगा, जब जम जाएगा हमारा मन, जमने लग जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, फिर हम संसार में भी कार्य करते हुए भगवान का ध्यान कर सकते हैं, फिर ये संसार के बाधक चीज़ें हमें परेशान नहीं करेंगी। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी, एकांत की साधना करके आगे बढ़ना है। राधे राधे।